सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पापाड़ी। बाय नेचर से शुरू करते हैं आज का अपना नया व्लॉग, और व्लॉग की शुरुआत हुई दोस्तों हाईलाइट से। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मेरा वाला व्लॉग जो है वो पुराना वाला व्लॉग है। सो गाइस, मैं कर रहा हूं हाईलाइट से शुरुआत। अगर आप मेरा व्लॉग नहीं देखा है और आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना नया व्लॉग जहाँ से हमने छोड़ा था, अब उसके आगे की कंटिन्यूशन शुरू कर रहे हैं। सो बने रहिएगा व्लॉग में, मिलते हैं। हे गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग निकलने वाले हैं कात्यायनी माता के मंदिर। सो गाइस, साथ में है पापा, और पापा कर रहे हैं आज ड्राइव, और यहाँ मम्मी है, यहाँ यशस्वी, और यहाँ पे है नीतू। सो गाइस, पूरी फैमिली निकल चुकी है। हम लोग जा रहे हैं कात्यायनी माता के मंदिर, और आप लोगों को ले चलता हूँ मैं मंदिर की तरफ। सब लोग निकल चुके हैं। सो यहाँ डैडी गाड़ी चलाते हुए, आज आपने मेरे व्लॉग में पहली बार देखा होगा कि पापा गाड़ी चला रहे हैं। हमेशा मैं ही गाड़ी चलाता हूं, बट आज मुझको व्लॉग करना था तो मैंने डैडी को बोला, डैडी ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर के पास, हम छतरपुर में ही रहते हैं, छतरपुर मंदिर के बहुत ही आसपास रहते हैं, तो मैंने मुझे व्लॉग करना है तो मैं निकल चुका हूँ। डैडी ड्राइव कर रहे हैं, मम्मी और यशु। गाइज इनको देखो, ये दोनों वही दादी पोती एज यूजल, दोनों दादी पोती, ये देखो इनका प्यार लगी चल रहा है। नीतू यहाँ पर है, और गाइज अभी थोड़ा थोड़ा सा जाम, हल्का हल्का सा जाम हो रहा है, ज़्यादा जाम नहीं है बट फिर भी हल्का सा ही जाम है, इतना तो चल जाता है क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो एज यूजल हम लोगों को आदत हो चुकी है जाम की, तो इसलिए हमारे को जब जब कम लगता है तो हम सोचते हैं कि यार हमारे लिए बहुत है। आपको दिखाता हूँ फिलहाल, देखिए ये हालत है, हल्का हल्का ही चल रहा है सब कुछ। तो अभी छतरपुर मंदिर थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। सो गाइस, फाइनली पहुंच गया हूं मैं मंदिर। गाइस देखिए, सब के सब यहां रेडी हैं। पापा हमारे पूरे पहाड़ी स्टाइल में टोपी भी लगा के, यशस्वी और नीतू यहां पे हैं, मॉम तो टकाटक अपना चल दी है। तो गाइस ये देखिए, अभी हम पहुंच गए हैं अपना बाबा नागपाल जी का जो मेन मंदिर है वो बेसिकली ये है दोस्तों। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, यहाँ पर बाबा जी की समाधि भी है और इनका मंदिर भी है। सो ये है बाबा नागपाल जी का, और यहाँ पे कुछ झांकियाँ हैं, मैंने पहले भी आपको अपने ब्लॉग में दिखाया है, अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं अपने माता रानी के मंदिर के मेन एंट्रेंस की तरफ, जहां से हम लोगों की एंट्री थी, तो मैं यहां से निकल चुका हूं, साथ ही साथ सब के सब लोग साथ में हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि यहां पे मैं हूं, मैं और साथ में है नीतू, पीछे चल रही है मम्मी, डैडी और यशस्वी भी आगे। ये देखिए यशस्वी मेरे साथ चल रही है, पापा आगे चल रहे हैं। दोस्तों आगे ले चलता हूँ आपको माता रानी के मेन जो मंदिर है वहाँ ले चलता हूँ आपको, और दर्शन कराता हूँ माता कात्यायनी माता के। सो गाइज आप देख सकते हैं, फाइनली पहुंच गए हैं मेन मंदिर के अंदर। लास्ट वाले ब्लॉग में जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सर इस बार वाले ब्लॉग में यशस्वी है, मम्मी है, नीतू आगे है, डैडी तो हमारे एज यूजुअल स्पीड में रहते हैं हमेशा। गाइज वो निकल चुके हैं आगे, पर बहुत आगे नहीं, ज़्यादा आगे नहीं है, वो उधर पे है। सो गाइज अभी बस चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं कात्यायनी माता के, दर्शन कराते हैं आप लोगों को। जय माता दी, जयकारा सुरो वालिदा, बोल साचे दरबार की जय, कात्यायनी माता की जय।
गाइस ये देखो दादी और पोती दोनों अलग ही चल रहे हैं, इन दोनों का अलग ही चलता है भाई साहब। सो गाइस पहुंच गए मेन मंदिर, आप देख सकते हैं अभी आपको ले चलेंगे आगे। ये देखो दादी भागी आगे, अरे पोती भी, दोनों का अलग ही चल रहा है। अभी हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंचने वाले हैं, जैसे लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने, तो फिर दोबारा से आप लोगों के दर्शन कराता हूं दोस्तों। और भगवान करे भोलेनाथ और मैया रानी आपके परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनाए रखे। जय माता दी। ऐसे गिरते तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं माता रानी के दर्शन के लिए, और इस वक्त हम बैठे हुए हैं माता कात्यायनी माता के हॉल के अंदर। सो आगे मेरी मंदिर है, आपको दिखाता हूं मंदिर। सो देखिए दोस्तों ये है माता रानी का मेन मंदिर, हम इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, क्योंकि हमको जो दर्शन करने हैं माता रानी के वो अंदर जाके करने हैं। तो हम वेट कर रहे हैं और आप बने रहिएगा व्लॉग में, आपको दर्शन कराता हूं। तो गाइस फाइनली हम लोग अब यहाँ पे जो मंदिर का जो मेन दरबार है ना गाइस, अभी मम्मी पापा और मैं हम लोग यहाँ दर्शन करके आए हैं बिल्कुल ठीक अंदर जाके, और इतने भव्य दर्शन हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ, बस आंखों में आंसू आ गए कि मैया रानी के दर्शन करने का मौका मिला, और इससे बड़ी बात मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती है। आवाज़ बहुत ज़्यादा है, पता नहीं आवाज़ आएगी नहीं आएगी। फाइनली सब लोग प्लीज़ चल रहे हैं। सो फाइनली दर्शन कर लिए, नीतू यशस्वी मॉम और पिताजी हमारे यहाँ पे हैं, चलो चलते हैं। दोस्तों फाइनली माता रानी के भव्य दर्शन करके अब निकल चुके हैं और अब चलते हैं घर की तरफ। इन दोनों को देखो, ये दोनों खेलने में लगे हुए, यशस्वी भाग रही है और मम्मी इसको पकड़ रही है। देखो गाइस देखो, इन दोनों का अलग ही गेम चल रहा है यहाँ पे। इसको देखो, यशस्वी को देखो गाइस, ये देखो नीतू और ये, अरे रे रे मैं पकड़ता, रुक जा। ये गाइस हाथ में नहीं आ रही, ऐसे क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया। नीतू जी यहाँ से जाए, यहाँ से बस ठीक है चलो। क्या हुआ आप कहाँ जा रहे? सो गाइस फाइनली माता रानी के दर्शन हो ही चुके हैं, अब हम लोग निकल रहे हैं अपने शूज़ लेने के लिए, और पिताजी हमारे जो हैं जो डैडी हैं वो आगे निकल चुके हैं, शूज़ लेते हैं और निकलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी भी बहुत दूर खड़ी है दोस्तों, क्योंकि तो पार्किंग यहाँ पे काफ़ी फुल थी, तो हमारी गाड़ी बहुत दूर खड़ी है, उसके लिए भी काफ़ी चलना पड़ेगा मुझे। पर अब हम निकलते हैं यहाँ से, डैडी आप देख ही रहे हैं सामने खड़े हैं। सो गाइस निकल चुके हैं अभी यहाँ से, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और पापा मम्मी शायद आगे खड़े हैं, देखता हूँ कहाँ हैं और अभी तो उनको देखता हूँ। मेरी मम्मी डैडी मिल गए, पापा इधर पे हैं, मम्मी यहाँ पे है, यशस्वी और नीतू यहाँ पे आ चुकी है। सो गाइस निकलते हैं अभी यहाँ से। देखो गाइस अभी हमें प्रसाद में मिला है यहाँ से। मम्मी कैसा अभी आपने खाया ना? बहुत टेस्टी है। टेस्टी है, वेरी वेरी टेस्टी है। मम्मी उतर चुकी है और यहाँ नीतू उतर चुकी है, उतरते साथ ही लड़ाई है। देख रहे हो गाइस, ये इन दोनों के पता नहीं क्या चक्कर है, दोनों माँ बेटी का उतरते साथ ही लड़ाई है। सो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं और अभी घर पहुँचते हैं, आपको फिर मिलता है।